बाबा भैरव नाथ जी का एक खूबसूरत मंदिर है हटकुणी में। हम में से किसी को भी रास्ते का पता नहीं है, काफ़ी दूरी हमने तय कर दी है फ़िलहाल कि जब तक अपनी मंजिल पे नहीं पहुँचे तब तक तो रुकना है नहीं। अभी इतना खून पी जाती है जोंक। ऐसे सुंदर नज़ारे दिखाई देते हैं, कम से कम ये भैंसें तो दिख रही हैं यहाँ। यार सुंदर सी जगह यार, पूरा तपड़ है ये, पूरा खुला मैदान सा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं रमन रातुड़ी ब्लॉग्स। हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। तो अभी आज का प्रोग्राम है हटकुणी की तरफ जाने का, जो कि पौनी के जो पौनी गांव है उसके ऊपर एक बाबा भैरव नाथ जी का एक खूबसूरत मंदिर है हटकुणी में। तो अभी हम 3 बंदे जा रहे हैं यहाँ से, और पौनी के ऊपर सड़क में हमने बाइक लगाई है। तीनों हम बाइक से आए हैं अभी। तो इसके बाद पैदल का रास्ता है, तो लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दूर है। और फ़िलहाल हम जा तो रहे हैं तीनों, लेकिन हम में से किसी को भी रास्ते का पता नहीं है। मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ, क्या पता मुझे लग रहा है कि कहीं आधे रास्ते से वापस ना आना पड़े। तो अभी यहाँ से नीचे दिखाई देगा आपको जो पौनी बासर गाँव है, और अभी पौनी से थोड़ा सा ऊपर ही आप आए हैं हम। और यहाँ पर माता ज्वालपा का मंदिर है, तो यहाँ पर थोड़ा दर्शन करने के लिए आए थे। इसके बाद ऊपर चलेंगे, यहाँ से रास्ता अभी दिख रहा है। तो खैर अभी लोग अगर हमें कोई मिलेंगे आगे रास्तों में तो उनसे हम पूछ के ही जाएंगे। हमारे साथ चल रहे हैं हमारे दोनों भाई जी। तो प्रीतम भट्ट ब्लॉग्स के नाम से इनका चैनल आपको मिल जाएगा। ये भी यहाँ लुधियाना से स्पेशल ब्लॉगिंग के लिए ही आए हैं। अभी टाइम है लगभग 12 बज रही हैं और दिन का टाइम है, तो थोड़ी सी गर्मी लग रही है क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है आज। और अभी ऊपर की ओर से ना थोड़ा बहुत बादल भी आ रहे हैं। तो जब हम थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे बीच घने जंगलों में, तो वहाँ ये गर्मी थोड़ा कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा ठंड स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जो बांज के जंगल में हम पहुँच जाएंगे जब, तो बांज के जंगलों में थोड़ी बहुत जो ठंडी हवाएं होती हैं वो चलने लगती हैं। तो अभी नीचे आपको दिख रहा होगा पौनी गांव। तो अभी यहाँ से हम आए हैं पैदल, और काफ़ी दूरी हमने तय कर दी है फ़िलहाल, लेकिन अभी काफ़ी आगे है जाने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं अभी, कुछ खाने के लिए और पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक और चिप्स वगैरह लेके आए हैं, क्योंकि अभी जितना हम रास्ता चल रहे हैं अभी लग रहा है कि काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो अभी पसीने से हालत ख़राब हो चुकी है, अभी हम चलते जा रहे हैं। तो अगर जैसे रास्ता पता होता है ना तो आदमी काफ़ी तेज़ी से चलता है, और जब पता नहीं होता है तो ऐसा सीन होता है ना कि देख के चलना पड़ता है। कहीं हम अलग रास्ते पे पहुंच गए फिर कहीं और ही पहुंच जाएंगे, इसलिए काफ़ी देख के चल रहे हैं। और कोई मिल भी नहीं रहा है यहाँ आजकल, कोई जो जानवर लेके आते हैं ना जंगलों में वो भी नहीं मिल रहे हैं कोई, कि किसी से पूछ लेते हैं यहाँ। थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से चलेंगे आगे की तरफ। और थोड़ा बहुत रास्ते भी कंफ्यूज कर रहे हैं, जैसे ये रास्ता है एक, तो सामने लग रहा है हमें तो इसी रास्ते पे जाना होगा शायद। रास्ता बहुत कंफ्यूजन से भरा हुआ है यहाँ। थोड़ा बहुत खच्चरों के जो पैर के निशान होते हैं ना वो दिख रहे हैं रास्तों में, तो उसे देखते हुए अभी आगे चल रहे हैं। लेकिन कहीं पे 2-3 रास्ते आ जा रहे हैं, और रास्तों में ऐसे जंगली मशरूम भी बहुत सारे मिल जाएंगे आजकल बरसात के दिनों में। और फ़िलहाल हमें भाई रास्ते का पता नहीं चल रहा है, जो रास्ता हमें दिख रहा है ना हम इसी पे ही चल रहे हैं। और ये रास्ता मंदिर की तरफ ही जाना चाहिए, नहीं तो फिर कहीं खो तो नहीं जाएंगे। लेकिन यार फिर जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ नहीं जा पाएंगे, तो फिर मज़ा कुछ नहीं है। तो इससे पहले यहाँ आए थे जो डी-वाइब्स वाले हमारे भाई हैं ना, जिनका चैनल है डी-वाइब्स के नाम से। तो अभी हम रास्ते में थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे ना, तो हमने उनकी थोड़ी सी वीडियो देख ली थी। तो उनकी थोड़ी सी वीडियो देखने के बाद हमें यार थोड़ा सा हुआ कि हाँ हम सही रास्ते जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत जो टूटा हुआ पेड़ दिख रहा था उनकी वीडियो में, वहाँ पर हम खड़े थे। तो थोड़ा वहाँ से थोड़ा सा पता चला कि भाई सही रास्ता है, नहीं तो बीच में तो भाई प्रीतम जो मेरा भाई है इसने अपनी होप खो दी थी बिल्कुल भी, कि भाई हम कहीं गलत रास्ते तो नहीं जा रहे हैं। फ़िलहाल हम सही रास्ते हैं, और अभी यहाँ से ज़्यादा नहीं होगा, आधा घंटे का रास्ता होगा थोड़ा सा, जो तपड़ आएगा तो उस तपड़ में पहुंचने के लिए यहाँ से थोड़ा सा पक्का रास्ता, उसके बाद थोड़ा सा कच्चा रास्ता आएगा, तो वहाँ से होते हुए हल्का फुल्का तपड़ दिखाई देगा। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि भाई मंदिर में हम पहुँचने वाले हैं। हमारे शेखर भाई हमारे साथ हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं फ़िलहाल, और प्रीतम रास्ते में वीडियो बनाते जा रहे हैं और काफ़ी थकान लग रही है भाई। खड़ा रास्ता है ना, बिल्कुल चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर ऐसी चढ़ाई हो और आगे बहुत ही खूबसूरत कोई दृश्य दिखाई दे तो उसके बाद सारी थकान दूर हो जाती है। अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि हम आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच चुके हैं, ऊपर से काले बादल घिरे हुए हैं। शाम को अगर बारिश होगी तो दिक्कत हो सकती है थोड़ा पहाड़ी रास्तों में, और भी बरसात के दिनों में फिसलन बढ़ जाती है, और हम नहीं चाहते कि हमारी जो बत्तीसी है ना वो घर जाके टूटी हुई मिले। वो गांव वालों ने तो हमें बहुत ही डरा दिया था कि 10-15 किलोमीटर का रास्ता है, और हम तो वहीं मतलब सोच रहे थे एक बार कि 2-4 मंदिर यहीं हैं तो इन्हीं मंदिर पर दर्शन करके घर को निकल जाते हैं। लेकिन अभी काफ़ी दूर जब चल के आ गए हैं तो अभी ऐसा है कि जब तक अपनी मंजिल पे नहीं पहुँचे तब तक तो रुकना है नहीं, चाहे कितनी भी आफत आए। थकान दूर हो चुकी है। अभी यहाँ से थोड़ा सा तप्पड़ जो होता है ना, ऐसा तप्पड़ जहाँ पेड़ ख़त्म हो जाते हैं तो ऐसी जगहें शुरू हो चुकी हैं, तो इसका मतलब हम अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। अभी जोंक वगैरह भी लग रही है हमारे पैरों पे, अभी इतना खून पी जाती है जोंक। और फिलहाल यहाँ से तप्पड़ स्टार्ट हो चुका है और मुझे लग रहा है कि थोड़ा नज़दीक होंगे हम अभी मंदिर के। तो काफ़ी दूर चलने के बाद ऐसे सुंदर नज़ारे दिखाई देते हैं। कुछ नहीं दिख रहा था फिलहाल, कम से कम ये भैंसें तो दिख रही हैं, नहा रही हैं जो। और इतना सुंदर दृश्य है ना यहाँ। फिर हम लोग यहाँ भी कंफ्यूज हो रहे थे कि यार मंदिर दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल ऐसा है, यहाँ पीछे है मंदिर भैरव देवता का, और यहाँ बिल्कुल सुंदर सी जगह यार, पूरा तपड़ है ये, पूरा खुला मैदान सा, और सामने भैरव बाबा के दर्शन हो चुके हैं। अभी हाइट पे अभी खड़े हैं, यहाँ से ना कुछ भी नहीं दिख रहा। हमारा जो एरिया है ना वो तो दिख ही नहीं रहा है, यहाँ से बहुत नीचे हमारा ये एरिया इस साइड होगा कहीं, तो बहुत डाउन पे होगा वो। और यार क्यूट सा पप्पी मिल गया हमें यहाँ पे, ओरिजिनल भोटिया के साथ क्या? और अभी टाइम है थोड़ा सा दर्शन करने का। फिलहाल आप इस खूबसूरत जगह पे स्थित इस मंदिर का खूबसूरत नज़ारा देखिए। और यहाँ मंदिर के पीछे की तरफ ना एक गुफा है जो बता रहे थे, तो उस गुफा में कभी तपस्या के लिए वो बनाई गई होगी, किसी ने वहाँ तपस्या करी होगी। तो कहते हैं वो बाबा काल भैरव नाथ की गुफा है, तो वहाँ शायद ही कोई जाता होगा, ऐसा कोई है नहीं जो जाते हैं वहाँ। बोल रहे थे जो पुजारी जी हैं, वो बता रहे थे कि वहाँ अभी फ़िलहाल कोई नहीं जाता है, वहाँ जाने की कोई हिम्मत नहीं करता है। और फ़िलहाल यहाँ जो है पूरा बुग्याल जो है ना, पूरा खूबसूरत बिल्कुल ये मैदान ना काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, और सामने कुछ गाय भैंस और खच्चर वगैरह आपको चरते हुए दिखाई देंगे। और जो यहाँ है ना, मतलब यात्री भी यहाँ आते हैं, बहुत सारे काफ़ी यात्री आते हैं। और इससे पहले हमने एक वीडियो देखी थी यहाँ की, जो हमारे दोस्त ने ही बनाई थी, डी-वाइब्स के नाम से उनका चैनल है, मैं उनका लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्सन में नीचे। तो उन्होंने भी यहाँ की बहुत सारी खूबसूरत वीडियो बनाई थी, और वो उस टाइम पे आए थे जिस टाइम पे यहाँ कावड़िए चलते हैं, तो कावड़िए यहाँ आए थे। तो कावड़ियों की यहाँ सारी व्यवस्था मंदिर के पुजारी जी जो बता रहे थे कि उनके द्वारा ही की जाती है, जो कि वो एक सेवा के रूप में करते हैं यहाँ। तो व्यवस्था सभी उनकी अपने द्वारा ही बनाई गई है यहाँ। अभी थोड़ा सा मौसम जो है ख़राब होने लगा है, तो मौसम ख़राब होने से पहले ही हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। तो अभी थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं हमारे जो दोस्त हैं, और पुजारी जी भी हमारे साथ जाने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे साथ ही नीचे जाना, वो भी गांव जा रहे हैं। हमें कह रहे थे वो पुजारी जी कि मैं आपके लिए खाना भी बना सकता हूँ, यहाँ पे खाना खा के चले जाइए, लेकिन हमने कहा यार खाना पीना अभी कहाँ किसी को परेशान करें, पर उन्होंने हमें खाने के लिए पूछा, यही बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे मंदिर के आसपास जो हैं छानियाँ होती हैं, जहाँ लोगों की गाय भैंस रखी होती हैं, तो बहुत सारी छानी हैं। अभी हम वही पता करने जा रहे हैं कि कहीं दही और मट्ठा हमें मिल जाए रास्ते के लिए। खूबसूरत छानियाँ हैं, तो ऐसी जंगलों में ऐसी जगह बनाई होती है लोगों ने, यहाँ पे उनके पशु वगैरह रहते हैं और यहाँ अंदर रहते हैं लोग। यहाँ अंदर लोग, छानी खूबसूरत बनाई हुई है यहाँ पे। और अभी वक्त है यहाँ से जाने का। और ऐसी वीडियो के लिए रमन रातुड़ी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और मैं मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।